ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਜੇ ਰੂਮ ਲਿਓ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨੁ ਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਮ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸੇ ਲਾਇਕ ਹੂੰ ਹਰਮ ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿਆ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ ਯਾਰ ਯੇ ਵੀਡੀਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਰੂਮ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਰੈਂਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਆਪ होटल वगैरह में किसी बड़े में ठहरते हो ज़ाहिर सी बात है उसका किराया भी उस हिसाब से भाई काफ़ी ज़्यादा है। तो हम आए हैं थोड़ा आगे यहाँ पर कोई रूम देखते हैं, हमने बोला को मिल जाए थोड़ा रूम भी अच्छा हो और मुनासिब कीमत में अगर मिल जाए तो वो देखते हैं। बाज़ार है जी देख लें आप माशाल्लाह यहाँ पर भी मार्केट है। तो फर्स्ट टाइम है अभी सुबह सुबह का टाइम है जुमे का अभी तो सूरज भी नहीं निकला है तो हम घूम रहे हैं देख रहे हैं अगर कोई रूम मिल जाए तो पता करते हैं इधर से क्या सूट हाल है फिर आपको दिखाता हूँ मैं जी। तो एक फ़ाइनल किया है कितने में फ़ाइनल किया है बहस में बहस के बाद मैं आपको दिखाता हूँ और रूम भी दिखाता हूँ फिर आगे बात करते हैं। पहले रूम देख लेते हैं ना कैसा है क्या सूट हाल है फिर इंशाल्लाह दो आदमी हम कौन सा ज़्यादा है जी। तो ये रूम है जी भाई जी वो हाथ धोते यार सानू उन्हें रूम आया साढ़ा रोटियाँ जमा हो गई जी। वो आगे एक मिल गया वो रूम दिखा रहा रूम वो मुझे कुछ बेहतर लगा तो वैसे जो मुझे बेहतर लगता है वो उसका तो रेंट 500 रियाल है भाई योमी लेकिन मैं बोलता हूँ कि चलो कुछ कम में अफोर्ड कर लेते यही बेहतर है। तो वो आगे मिला हमको बोल रहा है कि 10 बजे रूम भाई मेरा जो वो खाली होगा तो इन्होंने पूछ ला आप बैठे ही 10 बजे खाली होगा तो और तुम आप ले लेना 10 आदमी ओ सॉरी 10 बजे सामान रख दो इधर। मैं फिर मेरे दोस्त ने बोला कि यार 10 बजे ये लोग बोलेगा 11 तो 10 बजे के बाद ज़ाहिर सी बात है वो जो सोए हुए हैं या लेटे हुए हैं वो हरम शरीफ जाएंगे जुमे के लिए उन लोगों ने उस टाइम तक लिया होगा ये हमको इसलिए हमने फिर डाउट बोला यार ये बोलेगा बाद में 11 बजे फिर बोलेगा 12 बजे तो क्या वो और देखते हैं अभी पीछे से फिर बुला रहा है बात फाइनल होती है आपको दिखाता हूँ जी। अभी ले लिया एक अभी वो साफ सफाई सुथराई चल रही है रूम की तो बोलते हैं वेट करो कितने में लिया है प्राइस आपको बताता हूँ मुझे ये कुछ अच्छा लगा तो बहरहाल ज़ाहिर सी बात आदमी रूम में तो थोड़ी ना बैठा रहता है हरम में रहेंगे ज्यारतें करेंगे और उसके अलावा रात को सो लेंगे इधर जो एक रात हमें स्टे करना है बस। बाहर से इंटर होते ही ये पहला रूम हमें मिला यानी कि ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है वो पहले जो देखा था वो तो भाई लास्ट में था बिल्डिंग के और रूम भी इतना अच्छा नहीं था। तो ये रूम है जी मैं थोड़ा बाहर होकर आपको दिखा दूँ पहले वो अटैच वाशरूम है ठीक है फ्रिज भी है चलता है साथ में ये एक दो तीन बेड लगे हुए हैं ठीक है सफाई मफाई उन लोगों ने कर दी है चादर वगैरह डाल दी है। तो अभी इसके प्राइस के मुतलक मैं बैठ कर थोड़ा बात करता हूँ अभी तो मैंने उसको 500 रियाल दिया और वो लेकर छूटे लेने चला गया गंद हमने डालना शुरू कर दिया है एक बैग ये रख दिया मैंने और ये रख दिया है चलो बरल बैठते हैं और आपको तफसील बताता हूँ थोड़ी रूम कितने में लिया है मैं आपको ये बता दूँ आप खुद से आगे अंदाज़ा कर लीजिएगा कितने में लिया ये वोचर मैंने आपको दिखा दिया है इधर नज़दीक करके गिनना 500 का नोट मैंने उसे दिया था जी मैं आपको बताऊँगा नहीं आपने खुद गिनने ठीक है जी। हाँ बस पता चल गया 500 का नोट दिया था उसे और ये बाकी मिले हैं उसमें से जो मैंने आपको गिन के दिखा दिए अब बाकी आप खुद सोच लीजिएगा ये कितने में हमने रूम लिया है। और एक चीज़ कि वो ये कि इधर मैंने इससे भी कम में शायद मिलता हो लेकिन मैंने ये एक तो नज़दीक इतना भी नहीं है लेकिन फिर भी हरम के नज़दीक ये है और ऊपर से थोड़ी मुझे सफाई इनकी बेहतर लगी तो मैंने बोला यार ये ले लेते हैं और